हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल सीखे सब कुछ में। फ्रेंड्स, जैसे कि आप यूट्यूब थंबनेल देखकर समझ गए होंगे कि आज का वीडियो किस टॉपिक पर है। फ्रेंड्स, अब से मैं फोटोशॉप में टिप्स एंड ट्रिक्स पर भी वीडियोज बनाता रहूंगा, जिसके वीडियोज आपको बीच बीच में मिलते रहेंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो क्लास में हम बात करेंगे कस्टम शेप के बारे में। फ्रेंड्स, कई लोगों का कहना ये होता है कि जब वो यहाँ पर क्लिक करते हैं तो उनको इस तरीके के सभी तरह के कस्टम शेप उनको दिखाई नहीं पड़ते। तो फ्रेंड्स, इसका रीज़न क्या है? फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर कस्टम शेप दिखाई कब पड़ते हैं। फ्रेंड्स, जब आप टूल बार में यहाँ पर राइट क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर कस्टम शेप के नाम से एक विकल्प मिलता है। जब आप इस पर क्लिक कर देते हैं तो उसकी प्रॉपर्टीज में ये वाला आइकन एक्टिव हो जाता है और इसके आगे लिखा होता है शेप। जब आप यहाँ पर ड्रॉप डाउन मेनू में क्लिक करते हैं तब आपको ये कस्टम शेप दिखाई देते हैं। यदि आपको यहाँ पर सभी तरह के कस्टम शेप नहीं दिखाई देते तो उसके लिए आप यहाँ पर इस वाले आइकन पर क्लिक करें और यहाँ से आप ऑल पर क्लिक कर दें। अब फ्रेंड्स, मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर कस्टम शेप कम होने का कारण क्या है। यदि आप यहाँ पर रिसेट शेप पर क्लिक कर दें तो यहाँ पर आपको गिने चुने ही शेप मिलेंगे। तो मैं यहाँ से रिसेट शेप पर क्लिक कर देता हूँ और उसके बाद हम ओके पर क्लिक कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर केवल गिने चुने ही आपको शेप दिखाई दे रहे हैं। यदि आप इन्हें वापस लाना चाहते हैं तो उसके लिए फिर से इस वाले आइकन पर क्लिक करेंगे। अब आप ऑल पर क्लिक कर दें और उसके बाद आप अपेंड पर क्लिक करें। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से आप सभी तरह के कस्टम शेप यहाँ से देख सकते हैं। फ्रेंड्स, यदि आपको यहाँ पर कस्टम शेप शॉर्ट आउट करने में दिक्कत होती हो तो उसके लिए आप फिर से इस वाले आइकन पर क्लिक करें। अब मैं यहाँ से रिसेट शेप पर क्लिक कर देता हूँ और उसके बाद मैं ओके पर क्लिक कर देता हूँ। अब मान लीजिए आपको यहाँ पर केवल एरो की शेप चाहिए तो उसके लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप एरो पर क्लिक कर दें और उसके बाद आप अपेंड पर क्लिक कर दें। अब देखिए फ्रेंड्स, फोटोशॉप में जितनी भी एरो की शेप थी वो इसने यहाँ पर आपको लाकर दे दी। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप अलग अलग भी कस्टम शेप को यूज कर सकते हैं और वो आपको ढूंढने भी नहीं पड़ेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं समझता हूँ ये छोटी सी ट्रिक आपके काम आएगी। और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, शेयर और कमेंट। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। मिलते हैं अगले वीडियो, अगले ट्यूटोरियल। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।